मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। सन्मित्र बैंक की ओर से हम बिजनेस कोचिंग सेमिनार्स फ्री में चालू किए हुए हैं। सन्मित्र बैंक की ओर से बिजनेस कोचिंग हमारा चालू है, बिजनेस सेमिनार्स हमारे चालू है, उसके अंतर्गत मैंने ये आपके सामने वीडियो पेश किया है। मार्केटिंग जब आप करते हैं तो मार्केटिंग दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है ऑफलाइन मार्केटिंग और दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग। अभी ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो बहुत अभी आसान हो गया है, सस्ता हो गया है। ऑफलाइन मार्केटिंग अभी धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है, तभी भी हमको कुछ ऑफलाइन करना ही पड़ता है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग कौन सा है उसकी मैं लिस्ट आपको पढ़ाता हूँ, ताकि मैं कुछ उसमें से छोड़ ना सकूँ। उसमें है ऑफलाइन मार्केटिंग में न्यूज़पेपर में जाहिरात देना, नेशनल न्यूज़पेपर, स्टेट न्यूज़पेपर, फिर सिटी न्यूज़पेपर्स, फिर बुक्स जो है अलग अलग, तो अपनी खुद की बुक होना या बुक्स में अपना चैप्टर डालना है, फिर अपनी सीडीज है, डीवीडीज है, कम्युनिटी न्यूज़पेपर होंगे अपने कम्युनिटी के, अपने अपना अपना जो समाज है उसके, तो वो न्यूज़पेपर में हम डाल सकते हैं। कुछ स्पेशलिटी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे मानसिक रोगों के बारे में अलग एक न्यूज़पेपर है, तो भाई उसके उसमें अपना आर्टिकल डालना। फिर टीवी कमर्शियल्स में अपनी ऐड डालने का है, टीवी कमर्शियल में टीवी इंटरव्यू देने का है, टीवी न्यूज़ का कवरेज देने का है। फिर न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल भी डालते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, दोनों भी करते हैं। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना, फिर होम मीटिंग्स, हाउस टू हाउस मीटिंग्स लेना, ग्रुप मीटिंग्स लेना, फिर होर्डिंग्स और बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग्स गांव में लगाना, बैनर्स लगाना, फिर सेल पीपल लगाना और वो घर घर जाके सेल्स में आपका प्रचार कर रहे हैं। फिर नेटवर्किंग मार्केटिंग है, नेटवर्क तैयार करना नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क कंपनी और उसका मार्केटिंग रहता है। फिर टेली मार्केटिंग है, जिसमें टेली कॉलर से वो आपके कॉल्स करते हैं, येलो पेजेस में आपकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। फिर आप स्पॉन्सरशिप करते हो कोई प्रोग्राम का, वहाँ आपकी अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। फिर आप पोस्ट कार्ड्स लोगों को भेजते हैं, कुछ कार्ड्स भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं, बिजनेस कार्ड्स भेजना, फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स है। फिर रेडियो एड्स, रेडियो में आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, रेडियो इंटरव्यू देते हो, रेडियो कवरेज आपका होता है और आप फ्रेंचाइजी देते हो। तो ये पूरी लिस्ट हो गई ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट की। अभी जो जमाना है वो है ऑनलाइन का, ऑनलाइन सस्ता और मस्त है। तो ऑनलाइन में क्या क्या होता है, ऑनलाइन में आपकी ई बुक्स हो सकती है, फिर न्यूज़लेटर्स आप ऑनलाइन दे सकते हैं, फिर ईमेल्स है, ग्रुप मेल्स आप भेज सकते हो, फिर यूट्यूब के ऊपर आपके वीडियोस है वो आप दे सकते हैं, आपका ऐप खुद का हो सकता है, ऐप की एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, आपकी खुद की वेबसाइट है, फिर ब्लॉग साइट है, आपके व्लॉग्स है, फेसबुक का आपका पेज है और फेसबुक का आपका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, फिर गूगल में आप एडवर्टाइजमेंट करते हो गूगल पेज के ऊपर, गूगल बिजनेस पेज के ऊपर, फिर लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट, व्हाट्सएप, SMS, बल्क SMS के माध्यम से, फिर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट आप ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफर्स आप लोगों को दे सकते हैं, फिर आप ऑनलाइन वेबिनार्स लेते हो, फिर फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग है, फिर ऑनलाइन कोचिंग हो सकता है, फिर शॉपिंग साइट्स है ऑनलाइन, वहाँ आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, लाइक अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स अलग 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 जगह पे जो भी अभी हमने देखे उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEOs, और फिर B2B मार्केटिंग वो एक अलग है, फिर सर्च पोर्टल्स है जैसा जस्ट डायल्स है, येलो पेजेस है, तो उनके सर्च पोर्टल्स है, फिर अलग अलग जो सर्च पोर्टल्स है इसमें अभी हेल्थ के लिए, मतलब आपके हेल्थ इश्यूज में आप डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो उसके लिए है, तो अलग अलग आपके ऐप्स है और ऐप के माध्यम से आप आपकी जाहिरात कर सकते हो। तो इतनी सारी अलग अलग प्रकार है कि वो प्रकार से आप आपका मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग जो है यह सेल का बाप होता है ऐसा बोला जाता है, मार्केटिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेन फंक्शन क्या है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग यदि आपका पावरफुल रहा तो बिजनेस पावरफुल चलेगा, तो आप मार्केटिंग करो और आपका 70% ऑफ द टाइम
एंड 70% ऑफ द पीपल शुड गो इन मार्केटिंग. 70% लोग, 70% टाइम उनका मार्केटिंग में जाना चाहिए. आपका धंधा पनप जाएगा. वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो. थैंक यू वेरी मच.